इनका तो मूड खराब हो चुका है, आप इनका फेस देख के जान सकते हो। मूड क्यों खराब है आपका? ये येलो एंड जरूरी नहीं है कपड़ों से ईद हो गाइस। समा क्या पैक हो गया यार, आपको दिमाग लगाना आते नहीं यार। आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ बैठ चुके बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। तो गाइस आपको पता है कल ईद है और कन्फर्म भी नहीं कि कल ईद है, क्या शोर है? ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कल ईद है। और कौन कौन आप मुझे बताओ, वैसे ईद है या नहीं कल? प्लीज कमेंट पक्का करो कल ईद है नहीं है। तो बोले हम तो घर जा रहे हैं आज, आज काफी टाइम बाद भी घर जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है ना आपको? हाँ जी, मुझे बहुत खुशी है। तो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद हम निकलेंगे। कटिंग करने की वैसे जरूरत नहीं आपको, फिर दाढ़ी सेट कर लो, ठीक है? तो निकलते हैं हम घर में और रास्ते में भी व्लॉग बनाएंगे, आप सबको बताएंगे। आपको मेरा व्लॉग तो बहुत अच्छे लगते होंगे, आयो अगर अच्छे लगते होंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप प्लीज सब्सक्राइब करो। गाइज मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देंगे, छोटी सी इन्होंने मेरे लिए वो चीजें लाई है, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बताता हूँ क्या लाया है। हेलो मैम। हेलो जी, वेलकम वेलकम। सॉरी, आपने मुझे ये धोखा दे दिया है। चलो 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 चलो, बोले बताए बताए। मैंने आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो करो ना बस बताओ ना ये लाए। थैंक यू। मैंने इनके लिए गिफ्ट लाए लेकिन इनको नहीं पता, लेकिन मैंने फिर इनको यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जम्मू से आई ना यहाँ पे, फिर इन्होंने देखा कि बैग भरा हुआ है, तो तभी भी इनको मैंने बताया। जब मैंने खोला तो इतने खुश हो गए, बहुत ज्यादा बोलते ना, मतलब वो गिफ्ट अगर किसी को एक रुपए का भी दो ना तो वो खुशी अलग होती है, अगर किसी को बता के देंगे ना वो चीज़ नहीं। अगर मैं बोलती हूँ ना गिफ्ट एक रुपए का भी होना चाहिए, लेकिन वो बहुत खुशी होती है जो प्यार से को दे। इसलिए मैंने इनके लिए ईद के लिए ड्रेस लाया है, इनके लिए मैंने। थैंक यू सो मच। मैंने इनके लिए लाई है सलवार सूट, ओके थैंक यू। और मैंने लाया ग्रे कलर, क्योंकि इनके पास बाकी कलर है तो मैंने ग्रे कलर लाया, और ये इनके साथ का पजामा है। थैंक यू। और मैंने इनके लिए लाया था बस यही लाया, और क्या लाया? एक मैंने लाई है इनके लिए टी शर्ट, थैंक यू। ये मुझे बड़ी अच्छी लगेगी मुझे लगता है। चलो पहन के बताएंगे आपको। ट्राउजर लाया इनके लिए, ओके ट्राउजर, थैंक यू थैंक यू। टी शर्ट ट्राउजर लाया, थैंक यू। और एक मैंने अभी ऑनलाइन पार्सल मंगाया था इनके लिए। वाओ, ये क्या लाया मेरे लिए आपने? सबके सामने यार, क्या वाओ। इनको नहीं पता था मैंने इनको सरप्राइज दिया, क्योंकि मैं वही बोलती हूँ ना, सरप्राइज किसी को दोगे ना तभी ऐसा लगता है, ये नहीं कि साथ में रहा है कि हर चीज़ को बतानी होती, नहीं सरप्राइज देना मस्ट। ये देखिए शूज, वाओ स्नीकर, स्नीकर मंगाए मैंने इनके लिए। वाओ वाओ वाओ, आओ ऐसे लगे यार, मुझे तो स्नीकर चाहिए था लेकिन आपने मेरी विश पूरी कर दी सच में। हाँ ये देखो स्नीकर, थैंक यू। ऑनलाइन ऑर्डर किए ये वाले स्नीकर, मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने सोचा था कि मैं ग्रे कलर का लूंगी तो सलवार सूट, तो उसके नीचे मैं इनके स्नीकर लूंगी। और इनकी खुशी बताती हूँ, इनकी खुशी देखो जी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे रोज़ा लग गया आज घर पे निकलना, थैंक यू आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया मुझे, घर पे निकलना। और मैं बताती हूँ गाइस, मैंने ना अपने लिए कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, जो लगाया के लिए, ये जो लगाया है ना ये मैंने इधर से लिया था। अच्छा ठीक है। हाँ आपको नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ से लिया है, सिर्फ एक ही ड्रेस लिए मैंने वहाँ से, सिर्फ ईद के लिए लिया, क्योंकि बट मैंने ईद के सूट्स बनाए नहीं थे मेरे पास, लिए हुए मैंने रखा हुआ यहाँ पे, मैं आपको सूट बताती हूँ, बट मैंने ईद के नहीं बनाया वो, क्योंकि वो टाइम मिला तो मैंने सोचा ईद पे मैं लगा लूँगी। मैंने फ्रॉक लाई थी कॉटन की, अच्छी कॉटन, गर्मी भी होगी ना, और कॉटन की फ्रॉक लाई थी, और मैंने सोचा चलो ईद भी हो जाएगी हमारी, जरूरी नहीं है कि कपड़ों, ठीक है येलो एंड, जरूरी नहीं है कपड़ों से ईद हो गाइस, येलो एंड येलो मैचिंग होगी ना, तो थोड़ी येलो येलो मैचिंग होगी। चलो थैंक यू। जरूरी नहीं कि बंदे कपड़े हो तो ईद होती है, बंदे का साथ मैटर करता है। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना प्लीज, आज वो बेचारे समान हो गया पैक, समान क्या पैक हो गया यार, आपको दिमाग लगाना आता ही नहीं यार, आपकी दिमाग यार मुझे नहीं ना डांडा करो, आपको पता ना मैं ये समान फुल के लगाए हैं बैग के साथ, अब बैग रहेगा हमारा वो, ठीक है ना, करते हैं लेट हो गया ऑलरेडी, ये दर्शक भी है, दर्शक सीट पर रख दिए यार, वो रिकॉर्ड के भी लेने थे, चलो क्या करें आप, रिकॉर्ड के अब लेट हो गए, आप क्या करें। चलो ठीक है गाइस, अब निकलते हैं हम घर के लिए, तो पैकिंग हो गया सामान,
देखो ना लुकिंग गुड ओके लग रहे हो गाइस हमारा सामान तो रेडी हो गया तो अब हम निकलते हैं यहाँ से ठीक है बताना कि मैं कैसे लग रहा हूँ स्पेक्स में हैंडसम तो नहीं लगता चलो अब दाढ़ी मिल चढ़ी है लेकिन इस बार मैं दाढ़ी इस बार इसमें मैंने ग्रूमिंग नहीं की अपनी खुद से ही करूँगा ट्रीमर मशीन से बहुत अभी मुझे लगता था कि जो ना मना कर देगी अभी नहीं कटवाना ठीक है चलें चलते ठीक है जल्दी ओके सी यू ये वाली बोरी ये अंदर रख दो ये अच्छा चलते हैं चले गाइस फाइनली हम जा रहे हैं अभी बिस्मिल्लाह आप बैठ दो मैं तब तक आगे चलूं बैठेगी ठीक है मैं लड़कों की तरह नहीं बैठूंगी क्यों मैं लड़कियों की तरह बैठूंगी लड़कों की तरह बैठूंगी हाँ लड़कों की तरह बैठूंगी गिर ना जाऊं पकड़ के रखूंगी हाँ आप भी बात चल गया ना बोलो हाँ चलो जी स्टार्ट करो बाइक फिर आगे से बैठूं मैं वो आ जाओ इनको क्या रह गया अंदर मुझे लगता आई थिंक कुछ रह गया तो भी वापस आ जाएंगे देखना याद जब ये निकलते हैं ना घर से कुछ ना कुछ इनको रह जाता है बस एक तो बहुत ज़्यादा धूप है रास्ते में तो मौसम बहुत ठंडा होगा अब चलो क्या कर सकते हैं तभी हम आए थे साईं जी के पास दुआ करने के लिए आओ जल्दी आओ आ रहे हैं गाइज आप गैस कीजिए आप हम अपनी फेवरेट जगह पे उतरे हैं तो ये देखो हमारे नीचे फेवरेट जगह है आपको पता है हम हर टाइम यहाँ पे आते हैं जब भी थनामढ़ी जाते हैं तो हम हर टाइम यहाँ पे जाते हैं वीडियो बनाने के लिए और फोटो तो अभी मैं और ये जा रहे हैं तो कुछ वीडियो फोटो बनाएंगे व्लॉग भी शूट करेंगे तो आपको बताएंगे गाइज अभी हम यहाँ पे बैठे सोच रहे हैं क्या बातें करें क्या नहीं करें और जिसकी ये ज़मीन है इस एरिया में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये किसकी है तो हमें ये मेरा फेवरेट है हम बैठते हैं यहाँ पे सोच रहे हैं हम थोड़ा सा नीचे बैठे वहाँ पे जाके वहाँ पे जगह अच्छी है थोड़ी छाँव है तो छाँव है तो यहाँ पे छाँव नहीं है रास्ता है यहाँ से जाने का ऐसे लग रहा है कि हमारा घर इधर हम इधर जा रहे हाँ तो अभी यहाँ से नीचे रास्ता है सेब की टहनी ली हुई है ये सेब काजी सेब सेब का दरख्त है अगर ये इस बार जम गया तो करम लगाएंगे अगले साल ये सेब खाएंगे इसमें से ना तो फिर अगले साल क्या 5 से 7 साल के बाद जमेगा तो फिर से लग देते हैं खूब लगेगा तो खाएंगे यहाँ से रास्ता बड़ा टफ है कोई हमें देख के ऐसे बोलेगा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे बैठ चुके बैठे हुए हैं बट ऐसा नहीं है हम ये बोल रहे हैं आज कुछ नहीं बनाएंगे तो घर पे करेंगे जो भी करना होगा हमें लेट हो रहे रोजा इनको गाइस इनका तो मूड खराब हो चुका है बोलते हैं नहीं वो शाम भी होगी है रोजा भी अफ्तारी करना है साथ में बोलते हैं नहीं बनाएंगे आज फोटो ना कोई रील वगैरह बनाएंगे तो बोलते घर निकलते लेट हो रहे मूड का रंग भी इनका चेंज हो गया और मेरे से आगे भी भाग रहे अभी बताती हूँ मैं इनकी कंडीशन इनके एक्सप्रेशन कैसे हैं इनके आप इनका फेस देख के जान सकते हो आई थिंक चले मूड क्यों ख़राब है आपका
मुझे कुछ आपका मूड खराब लग रहा है, लाल लाल भी हो गया है, क्या हुआ? ठीक है, हो चुके हैं, मूड हो रहे हैं। और इनको बहुत गर्मी लगी हुई थी तो ये मूड हो रहे हैं। गर्मी लगी हुई थी, क्या बोलते हैं इसको, डस्ट है बहुत दूर है। मुझे बताओ जरा मुझे कैमरा। तो गाइस फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जैन भाई हमारे साथ है, यहाँ पे मेरा भी हमारे साथ है, मैग भी हमारे साथ है। तो यहाँ पे हम बैठे हैं, अभी हम रोजे का टाइम हो रहा है, रोजा फारी का कुछ मिलेंगे आपको। यहाँ पे हमारा आ गया टोलू। टोलू भाई आ जाओ, ये हमारा टोलू है, मैं टोलू का चेहरा बताऊँगा। ये है टोलू हमारा, ये भाग गया।